नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। व्यापारियों द्वारा दुकानें खोलने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती की जा रही है। इसी को लेकर व्यापारी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के नेतृत्व में कलेक्टर से लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन तैयार करने को लेकर चर्चा की गई। किस दुकान को कब खोलना है स्थिति स्पष्ट करने की बात रखी। वही सब्जी मंडी में आलू और प्याज के साथ सब्जियों की खरीदी के लिए खुलवाने की मांग की है। सर बताइए, आज कलेक्टर साहब से व्यापारियों ने आए तो आप मिले, क्या चर्चा हुई? व्यापारी वर्ग बड़ा परेशान है देवास का, ऊहा पोहू की स्थिति है, अफरा तफरी मची हुई है। कौन सी दुकान खुलना है, कौन सी नहीं खुलना है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, ये सारी व्यवस्था एक दिन पहले हो जाना चाहिए थी। चूंकि आज मार्केट खुलने की स्थिति में आया, दो महीने की मशक्कत के बाद, तो व्यापारी वर्ग को पुलिस प्रशासन परेशान करने लग गया, माँ बहन की गाली देने लग गया। ये तरीका ठीक नहीं है। कांग्रेस कमेटी ने पहले भी कहा था कि पूरी कांग्रेस कमेटी व्यापारी के साथ खड़ी है, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें, कौन सी दुकान कब खुलना है। व्यापारी वर्ग ने पहले भी सपोर्ट किया है आपको, अब भी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनकी पकड़ प्रशासन पे नहीं है, वो समझ में नहीं आ पा रहा उनको करना है और क्या नहीं करना है। स्थिति स्पष्ट करें, बैठक बुलाना चाहिए, बैठक बुला के सब जनप्रतिनिधियों से बैठ के तय कर लिया जाए, सारे व्यापारी एसोसिएशन को बुला लेना चाहिए, कौन सी दुकान कब खुलेगी और नहीं खुलेगी आज तय करने की बात कलेक्टर ने कही है कि अभी एक आध घंटे में गाइडलाइन जारी हो रही है। तो सारे व्यापारियों ने मुझे बुलवाया था, सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हम यहाँ पर आए थे, अपनी बात रखी है। दूसरी बात सब्जी मंडी वालों की है, जो सुबह 6 से 8 बजे तक की परमिशन केवल आलू और प्याज की दी गई है, तो क्या देवास में सब्जी बाकी कहाँ से आ रही है फिर, अगर मंडी बंद है तो? सारा अवैध धंधा किसके संरक्षण में चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, किस राजनेता का संरक्षण है उनको, किस अधिकारी का संरक्षण है? खुलेआम जब सब्जियां बिक रही हैं तो मंडी, सब्जी मंडी खोल देना चाहिए। जो लाइसेंसधारी मंडी व्यापारी है उनकी तरफ कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, जो अवैध रूप से कारोबार कर रहे हैं उनकी तरफ सब पैसे ले देके सब काम चलाया जा रहा है, ये कैसा प्रशासन है? आरोप लगता है कि पैसे लेके काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ दाल काली होगी इसीलिए सब काम चल रहा है, अन्यथा रात के अंधेरे में क्यों दवाई सब्जियां आके बिक रही है। हमारा ये निवेदन है कि दुकानों के लिए स्पष्ट नीति होना चाहिए, आज किस एरिया की दुकान खुलेगी या किस आइटम की दुकान खुलेगी, आप व्यापारियों के साथ बैठकर तय कर लीजिए। इतनी ऊहापोह की स्थिति क्यों, अफरा तफरी मची हुई है आज मार्केट में, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पत्रकार बंधुओं को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां करें और क्या करें। स्थिति जब तक स्पष्ट नहीं होगी ये स्थिति को सुधारना होगा। में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।